नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग एन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। ये लेसन मित्रों थॉमस ग्रे द्वारा लिखा गया है, आइए इसके सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। देखियो मित्रों, ऊपर ये सेंट्रल आइडिया इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में भी दिया गया है, मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड समझा देता हूं। देखिए, इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट मॉन्स, मॉन्स मीन्स होता है बिलाप करना या शोक व्यक्त करना। कह रहा है कि इस कविता में द पोएट मॉन्स, कवि जो है शोक व्यक्त करता है द डेथ ऑफ पुअर पीपुल ऑफ ए विलेज, एक गांव के लोगों, गरीब लोगों की मृत्यु पर। इस कविता में पोएट जो है एक गांव के गरीब लोगों की मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त करता है। हु लाई बरीड, कह रहा है कि जो हु लाई बरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, राइटर कह रहा है कि हु जो लाई बरीड, जो दफनाए गए हैं इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, अपनी छोटी कब्रों में, ऑल अराउंड द चर्चयार्ड, कह रहा है चर्चयार्ड में चारों तरफ, कह रहा है उस गांव के गरीब लोग अपनी छोटी कब्रों में, अपनी छोटी कब्रों में, उस जो कब्रिस्तान है उसमें चारों तरफ दफनाए गए हैं। दे हैड नो एम्बिशन इन लाइफ एंड लीड ए सिंपल लाइफ, कह रहा है कि दे हैड नो एम्बिशन इन लाइफ, उनका जीवन में कोई एम्बिशन नहीं रहा है, कोई महत्वाकांक्षा उनकी जीवन में नहीं रही है। एंड लीड ए सिंपल लाइफ, उन्होंने एक साधारण जीवन जिया है। दे रिमेंड अननोन एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, अननोन मीन्स अज्ञात, अननोन मीन्स होता है अज्ञात और अनरिकॉग्नाइज मतलब अनजान। ऐसा कह रहा है कि वे अपने जीवन में अज्ञात और अनजान रहे, मतलब उनको जानने वाला कोई नहीं रहा है। द पोयम सेज, कविता कहती है कि ग्रेट एंड एम्बिशियस पीपुल, कि महान और महत्वाकांक्षी लोगों को शुड नॉट लुक डाउन, शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द कॉमन पीपुल, कि उन जो सामान्य लोग हैं उनको, कह रहा है कि शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द कॉमन पीपुल, उन सामान्य लोगों को जो है नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए, उन्हें निम्न नहीं समझना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि उन साधारण व्यक्तियों को घृणा या तिरस्कार पूर्वक उनको नहीं देखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दे टू विल डाई वन डे, क्योंकि वे भी एक दिन मर जाएंगे। कौन? धनी लोग, वैभवशाली लोग और धनी लोग, वैभवशाली और शक्तिशाली लोग, क्योंकि वे भी एक दिन मर जाएंगे, इसलिए हमें जो है उन गरीब लोगों को जिनको जानने वाला कोई नहीं है उनको जो है तिरस्कार पूर्वक या घृणा पूर्वक नहीं देखना चाहिए। एंड बरीड, और वे भी दफनाए जाएंगे। कह रहा है बिकॉज, क्योंकि दे टू विल डाई वन डे एंड बरीड, क्योंकि वे भी एक दिन मर जाएंगे और दफनाए जाएंगे। ग्रेट पीपुल शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर बर्थ, महान लोगों को अपने जन्म पर गर्व नहीं होना चाहिए। प्राउड मीन्स गर्व होता है, बर्थ मीन्स जन्म। करे महान लोगों को अपने जन्म पर, वेल्थ संपत्ति पर, पावर शक्ति पर, एक्सेट्रा इत्यादि, करे इन सब पर गर्व नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए अपने जन्म पर, कि मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, वेल्थ मेरे पास इतनी संपत्ति है या पावर मेरे पास इतनी शक्ति, इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। जैसा कि ऑल मैटेरियलिस्टिक थिंग, जैसा कि सारी भौतिक चीजें विल डिमनिश विथ टाइम, समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। दे ऑल डाई वन डे, कह रहा है कि दे ऑल, वे सभी जो है डाई वन डे, एक दिन मर जाएंगे। द एंड ऑफ ऑल कॉमन पीपुल, सारे लोगों का अंत, कह रहा है द एंड, एंड मीन्स द एंड ऑफ द ऑल कॉमन पीपुल, सारे सामान्य लोगों का अंत, एंड ग्रेट पीपुल, और महान लोगों का अंत इज सेम, एक समान है। इधर लिखा है डेथ, मतलब अंत में उनको मृत्यु आनी ही है, चाहे महान लोग हो चाहे सामान्य लोग हो, चाहे शक्तिशाली हो चाहे सुंदर हो, अंत में सबको मरना ही है, क्योंकि डेथ लेवल्स ऑल द डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मृत्यु जो है सारे भेदभाव को समाप्त कर देती है। धन्यवाद मित्रों, जिसका हिंदी ट्रांसलेट भी है आप देख सकते हैं।